वहीं यूपी के कासगंज में गंगा का तटबंध टूट गया, जिससे कई इलाकों में पानी घुस गया और कई लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़े। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। कहीं दरकते पहाड़ तो कहीं नदियों के टूटते बांध। कहीं टूटते मकान तो कहीं उजड़ते आशियाने। पानी का प्रहार ऐसा है कि कोई बच नहीं पा रहा। पहाड़ों पर बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरें तो आपने देखी, और अब देखिए किस तरह यूपी के कासगंज में गंगा के रौद्र रूप के आगे सरकारी बांधें धराशायी होती जा रही हैं। धीरे धीरे गंगा का पानी अब किसानों के फसलों के साथ लोगों के घरों को भी आगोश में लेती जा रही है। और अब इस तस्वीर को देखिए, इन घरों के आसपास पानी पहुंच चुका है और मकानों के अंदर दाखिल ही होने वाली है, इसलिए यहां के लोग अपना सामान बांधकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। जाए कि गंगा न कटाव कर दो, घर में पानी घुस लागो हमारे, कोई सुनदगुना हमारी सो बच्चा लेके जाए रहे। इस इलाके में गंगा का कटान भी लोगों की परेशानी का सबब है, जिसकी वजह से कई मकानों के पानी में समाने का डर सताने लगा है। हालांकि टूटे हुए तटबंध की मरम्मति का काम भी जारी है और पुलिस की टीम भी इलाके में तैनात कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में भी नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सीहोर जिले के चिनोठा के पास से आई हैं, जहां तालाब ओवरफ्लो हो जाने पर गांव में पानी भर गया। इसका असर वहां के किसानों पर भी पड़ा, क्योंकि फसलें इस पानी में डूब गई। हालांकि तालाब के पानी को रोकने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।